All the students join the class quick fast. Lecture will be started very shortly. Student will join the class quick fast. Okay. I will share the screen to start the lecture. Last lecture we have to study about the sequential circuit counters. The next part is the basically we have to discuss about the problem in asynchronous counter. The specific two types of problem are raised in asynchronous counter. The first one is the glitch, that is known as the propagation delay due to the reset logic, and the second one problem is the propagation delay which is created due to the flip flop. So we have to study about the two types of problem which are associated with the asynchronous counter. After that we have to study about the time delay formula with respect to frequency for the asynchronous counter. Okay, and afterward we already study about the synchronous counter. We have discussed about the various excitation table for the various type of flip flop: toggle flip flop, delay flip flop, JK flip flop, and the SR flip flop. हेलो सर, आपने स्क्रीन शेयर कर रखी है क्या? हाँ सर, ये सिक्वेंशियल सर्किट के आगे तो कुछ शो ही नहीं हो रहा है सर अभी. मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ ना, दोबारा करता हूँ. ओके सर. अभी मुझे बताना तू आया कि नहीं है ना अभी. ओके सर, अभी आ रहा है? यस सर. चलो ठीक है ना. मैं अब क्लियर है, वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर, वॉइस तो क्लियर ही है. चलो ठीक है ना. स्क्रीन क्लियर हो रही है ना शेयर, ये एक्साइटेशन टेबल है ना? हाँ यस सर हो रही है. ओके, कब शुरू हो रही है? सो आफ्टरवर्ड वी हैव टू डिस्कस अबाउट द एक्साइटेशन टेबल फॉर द वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप: टॉगल फ्लिप फ्लॉप, डिले फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप एंड द एसआर फ्लिप फ्लॉप. ये सारा अपन क्या है लास्ट क्लास में स्टडी कर चुके हैं. एक्साइटेशन टेबल कैसे जनरेट होगी, प्रीवियस स्टेट, नेक्स्ट स्टेट और इनपुट अपन कैसे डिसाइड करेंगे. उसके बाद अपन ने एग्जांपल इसके एनालिसिस करे, मॉड्यूलो 4 सिंक्रोनस अप काउंटर एनालिसिस करा, उसको अपन किस तरह से एनालिसिस करे, डाउन काउंटर अपन कैसे एनालिसिस करते हैं उसकी स्टडी करी. ठीक है, आज अपन स्टडी कर रहे हैं नेक्स्ट द डिजाइन द सिंक्रोनस नॉन सिक्वेंशियल काउंटर. लास्ट क्लास में अपन क्या स्टडी कर रहे थे, सिक्वेंशियल काउंटर पे. सिक्वेंशियल काउंटर कैसे, मतलब कि या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड. अपवर्ड कैसे, 0 1 2 3 इस तरह से अपन स्टडी कर रहे थे, या डाउनवर्ड है तो कैसे आएगा, 3 2 1 एंड 0 सीक्वेंस फॉर्म में. बाय द वे क्वेश्चन अगर पुट ऑन होता है कि आप नॉन सीक्वेंस फॉर्म में अगर अपन कंसीडर करें, जैसे 0 के बाद 1, जैसे इस एग्जांपल में अपन देख रहे हैं 0 के बाद क्या आ गया, 7 आ गया 1 की बजाय, 7 के बाद क्या आ गया, 5 आ गया, 5 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद फिर 0 आ गया, तो ये एक्चुअली कौन सी फॉर्मेशन है, नॉन सिक्वेंशियल काउंटर. So design a synchronous counter which is represent in non-sequential format. Okay. अब इसके लिए अपन कैसे क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसकी नंबर ऑफ स्टेट देख रहे हैं, तो लास्ट स्टेट कहाँ है इसकी, 7 है. एज पर द गिवन क्वेश्चन द मैक्सिमम स्टेट इज गिवन 7. सो हाउ मैनी फ्लिप फ्लॉप आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन ए पर्टिकुलर काउंटर. सबसे पहले अपन क्या आइडेंटिफाई करते हैं, कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप अपनी की रिक्वायरमेंट रहेगी. तो अपन अगर 2 रिस्ट पावर 3 करें तो 8 आएगा, मतलब 8 में अपन ये सारी स्टेट्स कवर हो जाएंगी, 0 से लेके 7 तक टोटल कितनी स्टेट्स होंगी, 8. तो 8 स्टेट्स अगर अपने को कवर करनी है तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितने होंगे, 3. सो बेसिकली वी हैव टू रिक्वायर द 3 फ्लिप फ्लॉप टू कवर द 8 स्टेट्स फ्रॉम 0 to 7. क्लियर हुआ? अब नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप है तो ए फ्लिप फ्लॉप लिया, बी फ्लिप फ्लॉप लिया और सी फ्लिप फ्लॉप लिया. ठीक है, ये अपन ने 3 कंसीडर करी. ये अपन ने इस वाले फॉर्म में अपन देख रहे हैं ए फ्लिप फ्लॉप है, बी फ्लिप फ्लॉप है, सी फ्लिप फ्लॉप है. नंबर ऑफ स्टेट्स अपन कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे 0 0 0 0 वाली स्टेट है, 0 0 0 1 1 वाली स्टेट है, 0 1 0 सेकंड वाली स्टेट है,
011 थर्ड वाली स्टेट है, 100 फोर्थ स्टेट है, 101 फिफ्थ स्टेट है, 110 सिक्स्थ स्टेट है और 111 सेवंथ स्टेट है। क्लियर हुआ ये टेबल? क्लियर हुई? अब अपन क्या है, एज पर द गिवन क्वेश्चन, क्वेश्चन में किस तरह से गिवन है उसके हिसाब से अपन इसकी स्टेप्स को आइडेंटिफाई करते हैं। स्टेप कैसे है, इस वाले क्वेश्चन में गिवन है जीरो से कौन सी वाली स्टेट पर जा रहा है, सेवन पे। तो ये वाली जो जीरो वाली स्टेट है, इस जीरो वाली स्टेट से सीधा वो किस पे जा रहा है, सेवंथ वाली, लास्ट वाली स्टेट पर, यहाँ वाली सेवंथ वाली स्टेट पर। पता ही समझ में, जीरो वाली स्टेट से वो सीधा किस पे चला गया, सेवंथ वाली स्टेट पर। अब ऑब्जर्व करने वाली चीज क्या रहेगी बेटा इसमें, देखो जैसे ए वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए देखें तो यहां ये जीरो है और सेवन पे जाके ये क्या बन गया, वन, टॉगल हो गया जीरो से। अगर जीरो पे जीरो रहता तो कोई टॉगलिंग नहीं होती, पर जीरो से किस पे चला गया, ये वन पे, तो टॉगल हो गया। तो टॉगल अगर हो रहा है तो क्या आएगा आउटपुट, क्या रहेगा इनपुट, वन, ये वन आ गया यहाँ पे, देखो जीए पे क्या आ गया, वन। नेक्स्ट बी के लिए अपन देखे तो यहाँ ये जीरो है, जीरो से जाके ये सेकंड वाले पे क्या बन गया, वन, तो ये भी क्या टॉगल हो गया, तो जीबी की वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई। अब सी के लिए देखें तो यहाँ ये जीरो था, इधर सेवंथ वाली स्टेट में क्या बन गया, ये वन बन गया, तो क्या आ गया, जीसी की वैल्यू वन आ गई। ये बात समझ में आई, क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्टेट में क्या है, सेवन से किस पे जा रहा है, ये फाइव पे, सेवन ये वाली स्टेट है, ये वाली सेवंथ वाली स्टेट है और सेवंथ वाली स्टेट से ये किस पर चला गया, फिफ्थ वाली स्टेट पर, ये फिफ्थ वाली स्टेट पर गया, ठीक है, फिफ्थ वाली स्टेट पर गया। अब इसमें अपन देखें ए वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए, यहां ये वन है, वन से किस पर गया, ये वन पर गया, कोई टॉगलिंग नहीं हुई, तो जीए की वैल्यू क्या आएगी, जीरो, ये जीए की वैल्यू जीरो आ गई, ये जीरो, सेवन से फिफ्थ है ना ये वाला, सेवन से फिफ्थ, तो जीए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, जीरो आ गई। इज इट क्लियर, सेवन से फिफ्थ में। दूसरा अपन बी वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए देखें तो वन था, वन से किस पर चला गया, ये जीरो पर चला गया, है ना, ये यहाँ वन था सेवंथ में, फिफ्थ पे जाके ये क्या बन गया, जीरो बन गया, तो टॉगलिंग हो गई, वन से जीरो में टॉगलिंग हो गई, तो इसका जीबी की वैल्यू क्या रहेगी, वन, ये वन आ गई, जीबी की वैल्यू वन, ये वन आ गया, क्लियर। नेक्स्ट सी वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए देखें तो यहाँ ये वन था सेवंथ पे, फिफ्थ पे भी जाके ये क्या बना, वन ही बना, कोई टॉगलिंग नहीं हुई, तो जीसी की वैल्यू क्या होगी, जीरो, ये जीसी की वैल्यू जीरो आ गई, ये जीसी की वैल्यू जीरो। इज इट क्लियर, सेकंड स्टेट क्लियर हुआ। अब थर्ड स्टेट में क्या है, फिफ्थ पे, फिफ्थ से किस में जा रहा है, ये थर्ड पे, ये वाली फिफ्थ वाली स्टेट थी, फिफ्थ वाली स्टेट से ये किस में चला गया, थर्ड वाली स्टेट में, ये वाली थर्ड वाली स्टेट में। तो फिफ्थ से थर्ड वाली स्टेट में अपन देखें ए के लिए देखें फर्स्ट, तो ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे वन थी फिफ्थ में, थर्ड में जाके ये क्या बन गई, जीरो, टॉगलिंग हो गया, तो जीए की वैल्यू क्या आएगी, वन, ये जीए की वैल्यू वन आ गई, वाली वन, फिफ्थ से थर्ड में जीए की वैल्यू वन। बी वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए देखें तो यहाँ वैल्यू कितनी थी, फिफ्थ में जीरो थी, थर्ड में जाके वैल्यू क्या हो गई, वन हो गई, टॉगलिंग हो गया, तो इसमें जीबी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन, ये जीबी की वैल्यू वन आ गई, ये जीबी की वैल्यू वन आ गई। सी वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए देखें, ये यहाँ वन था फिफ्थ में, थर्ड में जाके भी वन ही रहा, कोई टॉगलिंग नहीं हुई, तो जीसी की वैल्यू क्या होगी, जीरो, तो ये जीसी की वैल्यू जीरो आ गई, ठीक है। बाकी बीच की स्टेट्स में क्या है, डोंट केयर है, क्योंकि अपन को चेंज हो ही नहीं रहा, नॉन सीक्वेंशियल है, इसलिए सारे बीच वाली स्टेट के लिए अपन ने क्या कर दिया, डोंट केयर। क्लियर हुआ समझ में? अब एक और लास्ट स्टेट क्या है कि थर्ड स्टेट से वो किस में जा रहा है, जीरो वाली स्टेट में, थर्ड से जीरो वाली स्टेट में। तो ये थर्ड था, ये वाली थर्ड स्टेट थी, थर्ड से सीधा किस में चला गया, वो जीरो वाली स्टेट में, ये जीरो वाली स्टेट में चला गया लास्ट वीक। तो थर्ड से जीरो वाली स्टेट में अपन देखें ए वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए, तो यहाँ जो जीरो था, जीरो से किस में कन्वर्ट हुआ, जीरो में, कोई टॉगलिंग नहीं हुई, तो जीए की वैल्यू क्या आएगी, जीरो, ये जीए की वैल्यू जीरो, थर्ड से जीरो में जीरो, ठीक है। बी वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए देखें, यहाँ ये वन था, वन से किस में टॉगल हो गया, जीरो में, जीरो में चेंज हुआ, थ्री पे वैल्यू क्या है, वन है, जीरो पे वैल्यू क्या है, जीरो है, तो कोई टॉगलिंग हुई इसमें, वन से किस में टॉगल हो गया, जीरो में, तो जीबी की वैल्यू क्या आएगी, वन, ये जीबी की वैल्यू वन आ गई, जीबी की वैल्यू वन। नेक्स्ट क्या है, थर्ड वाली स्टेट में क्या है, सी वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए वन है, जीरो वाले के लिए क्या है, जीरो है, तो वन से जीरो में क्या हो गया, टॉगल हुआ, तो जीसी की वैल्यू क्या आएगी, वन, ये जीसी की वैल्यू वन आ गई। तो इस तरह से अपन ने एज पर द गिवन क्वेश्चन
इसकी स्टेट्स को आइडेंटिफाई करा, स्टेट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद अपन ने GA, GB और GC की वैल्यू आइडेंटिफाई करी बाय यूजिंग द T फ्लिप फ्लॉप, टॉगल फ्लिप फ्लॉप से अपन कर रहे हैं। लास्ट क्लास में भी हमने टॉगल फ्लिप फ्लॉप से डिजाइन करा था, इस वाले एग्जांपल को भी अपन टॉगल फ्लिप फ्लॉप से ही डिजाइन कर रहे हैं। चार स्टेट हैं, चार स्टेट कौन सी हैं, 0 से 7 में ट्रांजिशन हुआ, 7 से 5 में ट्रांजिशन हुआ, 5 से 3 में ट्रांजिशन हुआ और 3 से 0 में ट्रांजिशन हुआ। तो 0 से 7 में ट्रांजिशन हुआ, 7 से 5 में ट्रांजिशन हुआ, 5 से 3 में ट्रांजिशन हुआ और 3 से 0 में ट्रांजिशन हुआ। इज इट क्लियर? अब अपन क्या करते हैं, इसमें GA, GB और GC की वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं। GA, GB और GC की वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे लॉजिक डायग्राम के लिए। कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन करना है, जैसे इस वाले में था ना, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट अपन डिजाइन कर रहे थे GA, GB का। तो GA, GB का कॉम्बिनेशनल सर्किट अपन कैसे डिजाइन कर सकते हैं, बाई यूजिंग के मैप, बाई यूजिंग के मैप। तो वही सिमिलर अप्रोच अपन यहाँ के मैप के लिए करेंगे बाई यूजिंग दिस वन टेबल। अब इस वाले टेबल में अपन देखें GA के लिए क्या है, 0 0 पे क्या है, ये 1 वैल्यू है, ये 1 आ गया। 0 0 1 पे क्या है, डोंट कह रही है, डोंट कह रहा है, ये वाली ये GA वाली, ये इधर हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन में देखना है GA के लिए, अपन GA के लिए डिजाइन करना है के मैप से, तो ये वाली लाइन देखनी है हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। तो 1 रखा, 0 0 पे वैल्यू 1 है, फिर डोंट कह रहा है, फिर अगेन डोंट कह रहा है, नेक्स्ट में क्या 1 है, ये 1 रखा, ये सारी वैल्यू पुट ऑन कर दी यहां पे अपन ने, ये सारी वैल्यू अपन ने पुट ऑन करी। अब नेक्स्ट क्या हो रहेगा कि ये 4 का ग्रुप बनेगा, डोंट केयर के साथ 1 1 2 हैं, जैसे 1 1 कितने हैं यहाँ पे, 2 हैं, इस रो में GA वाली रो में 1 1 कितने हैं, 2 हैं, 0 कितने हैं, 2 हैं और डोंट केयर कितने हैं, 3 हैं। तो 1 1 2 हैं, 0 2 हैं और डोंट केयर कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 और 4, 4 डोंट केयर हैं, तो 1 2 3 4 डोंट केयर हैं। वैल्यू पर पुट ऑन करें, फिर ग्रुपिंग वाली स्टेप लगाई अपन ने, ग्रुपिंग वाली स्टेप में ये क्या है, 4 का ग्रुप बनेगा, 4 के ग्रुप में इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ओरिएंटल में क्या क्या कॉमन है, फर्स्ट रो और सेकंड रो, फर्स्ट रो और सेकंड रो में कॉमन क्या है, बी की वैल्यू 0 है तो बी बार हो गया। वर्टिकल में अपन क्या देख रहे हैं, ए पे 0 है और ए पे 1 है, कोई कॉमन नहीं है तो अपन कुछ नहीं लेंगे वर्टिकली। ओरिएंटल में केवल कॉमन क्या रहा, बी की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0 को किस रिप्रेजेंट करते हैं, बी बार से, तो ये बी बार आ गया। तो GA की अल्टीमेटली वैल्यू क्या आई, बी बार। क्लियर हुआ ये, ठीक है। अब GB के लिए अपन डिजाइन करें, GB के लिए वाली ये वाली रो कंसीडर करें GB के लिए, तो इसमें क्या है, 3 कितने 1 है, 1 2 3 4 तो 1 है और कितने डोंट केयर हैं, 1 2 3 4 डोंट केयर हैं, तो 4 1 हो गया एंड द 4 डोंट केयर, तो ये टोटल ग्रुप कितने का बन गया, 8 का, है ना, सभी पे वैल्यू प्रेजेंट है। तो टोटल अगर 8 का ग्रुप बन जाता है तो वैल्यू क्या आती है, 1, और 1 को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, VCC से, ये GB की वैल्यू होगी। इज इट क्लियर, ठीक है। अब जैसे GC के लिए KMF बनाया, GC के लिए KMF बनाया, तो ये वाली थर्ड वाली रो कंसीडर करेंगे, थर्ड वाली रो में क्या है, कितने 1 है, 1 2 2 तो 1 है, 2 0 है और डोंट केयर कितने हैं, 4 डोंट केयर है, तो 2 तो 0 है, 2 ही 1 है, 4 क्या है, डोंट केयर है। वैल्यू पुट ऑन करी, ग्रुपिंग बनाया, ग्रुपिंग बना के ये वाला 4 का ग्रुप बना। इस वाले 4 के ग्रुप में अपन देखें, हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं तो कोई कॉमन नहीं है, वर्टिकली देख रहे हैं तो एक ही कॉमन है, एक ही वैल्यू 0 वाला कॉमन है, ये वाला कॉमन, और ए की वैल्यू 0 है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बार से, तो GC की वैल्यू क्या होगी, ए बार। तो अल्टीमेटली अपन ने GA, GB और GC का कॉम्बिनेशनल एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई करा, एक्सप्रेशन के रेस्पेक्टिव अपन कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो GA की वैल्यू क्या आई, बी बार, GB की वैल्यू क्या आई, VCC और GC की वैल्यू क्या आई, ए बार। अब अपन इसको रिप्रेजेंट करें तो कैसे आएगा, GA एक्चुअली किससे रिलेटेड है, TA से, है ना, और TA को किससे कनेक्ट करना है, TA की वैल्यू क्या है, बी बार है जो GA की वैल्यू है, तो इसको बी बार से कनेक्ट करने के लिए इसको किससे कनेक्ट कराओ, QB के बार से, तो B का बार हो गया ये QB के बार से कनेक्टेड कर दो, तो ये क्या हो गया, बी बार, क्योंकि GA एक्चुअली किसके इक्विवेलेंट है, TA के, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने GB लिया, GB किसके इक्विवेलेंट है, TB के, TB को किससे कनेक्ट करना है, VCC से, तो TB को ये VCC से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। थर्ड क्या है, GC That is equal to TC. TC को किससे कनेक्ट करना है, A बार से, तो ये TC है और इसको एक्चुअली किससे कनेक्ट कर दिया, इस A वाले फ्लिप फ्लॉप के QA बार से, तो QA बार से इसको कनेक्ट करा, तो ये एक्चुअली किसके इक्विवेलेंट हो गया, TC के, TC equals to A बार, TC equals to GC equals to A बार, ये कनेक्टेड हो गया। क्लॉक पल्स किसमें देनी है, तीनों टर्मिनल को साइमल्टेनियस, तीनों फ्लिप फ्लॉप को साइमल्टेनियस देनी है, तो क्लॉक पल्स इसको भी दे दी, क्लॉक पल्स इसको भी दे दी और क्लॉक पल्स इसको भी दे दी,
तीनों फ्लिप फ्लॉप को साइमल्टेनियस, क्लियर टर्मिनल तीनों से कनेक्ट करना है, ए वाले से भी, बी वाले से भी और सी वाले से भी कनेक्टेड करते हो, ये सर्किट अपना डिजाइन हो गया। तो गिवन ब्लॉक डायग्राम से या स्टेट डायग्राम से अपन ने अल्टीमेटली क्या डिजाइन करा, ब्लॉक डायग्राम बाय यूजिंग टी फ्लिप फ्लॉप डिजाइन ए नॉन सिक्वेंशियल काउंटर, सिंक्रोनस नॉन सिक्वेंशियल काउंटर डिजाइन बाय यूजिंग द टी फ्लिप फ्लॉप। क्लियर हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ये आता है बेटा। नेक्स्ट इज द बुशिंग, बुशिंग इज द काउंटर इन द फुल सीक्वेंस जीरो इज ऑलवेज प्रेजेंट वंस द काउंटर एंटर इन द वैलिड स्टेट, इट विल कंटिन्यू अनलेस अंटिल पावर सप्लाई इज स्विच्ड ऑफ, टू एंटर इन द चेन वी यूज पावर ऑन रीसेट सर्किट, देयरफॉर द फर्स्ट स्टेट इज नॉर्मली जीरो। बुशिंग प्रोसेस क्या है कि जब भी जैसे कोई पावर सप्लाई ऑफ हो जाएगी, ऑन हो जाएगी, तो उसको जैसे दोबारा रीसेट करते हैं, तो वो एक्चुअली किस कहां से स्टार्ट हो जाएगा, जीरो वाली जो इनिशियल स्टेट है, फर्स्ट स्टेट से, वहां से अपन इसको स्टार्ट कर सकते हैं, बुश करते हैं। ओके, प्रॉब्लम क्या है, इफ वी डोंट रिक्वायर जीरो स्टेट एट ऑल, उस केस में क्या होगा। सो सेकेंडली ड्यू टू पावर सप्लाई फ्लक्चुएशन, ग्लिच ऑफ द पावर सप्लाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस एंड RFI रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस, इट मे बी हैपन दैट काउंटर विल इंटर इन इनवैलिड स्टेट। इन प्रीवियस एग्जांपल वैलिड स्टेट इज 1, 2, 4, 6। बाय द वे अगर फ्लक्चुएशन है और या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है, RFI है, कोई भी इश्यूज है, अगर वो वैलिड स्टेट में जाने की बजाय कहीं इनवैलिड स्टेट में या इनवैलिड काउंटिंग अगर स्टार्ट कर दे, तो उस केस में क्या रहेगा। सो लॉक आउट द स्टेट, इफ लॉक इज बैड, इट मे हैपन दैट काउंटर विल लॉक इटसेल्फ इन इनवैलिड स्टेट ओनली। इन एग्जांपल इफ काउंटर एंटर एंड स्टेट 1 बिकॉज ऑफ लॉजिक सर्किट, नेक्स्ट हैपन टू बी 6, आफ्टर 6 नेक्स्ट हैपन टू द 1, then counter will toggle between the two state। इसमें problem क्या है कि अगर fluctuation आ गए और वो invalid state में चला जाए, तो जो उसको circle complete करना है, या जिस ring में इसको rotation करना है, वो उस ring की बजाय किसी दूसरी ring में enter कर जाएगा। यानी जैसे इसके previous example में अपन देख रहे थे कि 1 के बाद 0 के बाद 7, 5, 3, इसमें इसको rotate करना था, जो अपन काउंटर डिजाइन कर, पर बाय द वे फ्लक्चुएशन होने की बजाय ये किस में चला जाए, जीरो की बजाय 1 में चला जाए, जीरो से बाद कहां चला जाए, 2 में चला जाए, और जीरो से 2 में जाने के बाद वो उसी में रोटेट करता रहे, 0, 2, 0, 2। तो अल्टीमेटली क्या, उसको जो जिस रिंग में उसको रोटेशन करना था, वो उस रिंग की बजाय किसी दूसरी स्टेट में क्या हो जाएगा, लॉक आउट हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, उसी में वो रोटेट करता जाए। तो ये क्या है, इसकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है कि फ्लक्चुएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्चुएशन हो सकता है, इंटरफेरेंस होता है, उसमें क्या जाएगा, ये लॉकआउट वाली कंडीशन आ जाएगी। इफ यू आर लकी देन इट मे बी पॉसिबल दैट आफ्टर एंटरिंग इनटू द इनवैलिड स्टेट इट मे बी स्विच इनटू द वैलिड स्टेट। ये पॉसिबल है कि वो हो सकता है इनवैलिड से वैलिड में आ जाए, पर ये कंपलसेशन नहीं है, कंफर्म नहीं है कि वो सीधा उसमें एंटर ही कर जाए। ठीक है, सो इन दिस केस जैसे ये वाली स्टेट अपन इस वाले एग्जांपल में देखें, तो वैलिड स्टेट क्या है इसमें, जैसे ये 0 के बाद 7, 7 के बाद 5, 5 के बाद 3 और 3 के बाद 0, तो ये वैलिड क्लॉक है, वैलिड क्लॉक है। बुशिंग क्या आ गई इसमें, जैसे ये वाली स्टेट्स है, जैसे 4 से 5 में चला जाए, 5 में 5 से 3 में आने के बजाय 5 से किस में चला जाए, 4 में चला जाए, ये बुशिंग हो जाएगी। 7 में 0 से लेके 7, 7 के बाद 5 जाना चाहिए, पर 7 के बाद अगर वो 2 में चला जाए, तो बुशिंग वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये जो एडिशनल है, ये वाली प्रॉब्लम क्या है, बुशिंग वाली इश्यूज है, दैट्स आर नोन एज द बुशेस। ओके, अब एक और एग्जांपल देखें, इंप्लीमेंट द सिंक्रोनस काउंटर फॉर फॉलोइंग स्टेट डायग्राम। इसमें बुशिंग कैसे ली अपन ने, के 2, 4, 3 लिया, जैसे इस वाले सर्किट में देखें, 1 से 3 में गया, 3 से 7 में गया, 7 से 6 में गया, 6 से 1 में गया। अब 3 के साथ बुशिंग वाली स्टेट क्या है, 2 एंड 4। ठीक है, 7 के बाद बुशिंग वाली स्टेट कौन सी है, 5 एंड 0। तो इसके रेस्पेक्टिव अपन अगर डिजाइन करना चाहें, इसके रेस्पेक्टिव अपन डिजाइन करें, तो उस केस में क्या आएगा, ये अब इसमें देखें अपन, सबसे पहले अपन को नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप डिटरमाइन करने है। तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले अपन को क्या आइडेंटिफाई करनी है, कि मैक्सिमम स्टेट कौन सी है इसमें। तो इस वाले केस में अपन देख रहे हैं एग्जांपल में, मैक्सिमम स्टेट क्या है, 7 है।
मिनिमम स्टेट क्या है, जीरो है, तो जीरो से लेके सेवन तक करें तो नंबर ऑफ स्टेट टोटल कितनी हो गई, एट। टोटल एट नंबर ऑफ स्टेट्स हैं तो कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट रहेगी, थ्री, क्योंकि एन इक्वल टू टूरिस्ट पावर थ्री इक्वल टू एट। टूरिस्ट पावर थ्री इक्वल टू एट में क्या हो जाएगा, जीरो जीरो से लेके वन 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 तक अपन कंसिडर करें तो जीरो से लेके सेवन तक टोटल एट स्टेट्स क्या हो जाएंगी, इसमें कवर हो जाएंगी। सो वी हैव टू रिक्वायर द थ्री फ्लिप फ्लॉप। फर्स्ट अपने को डिटरमाइन क्या करना है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो फर्स्ट अपन ने क्या डिटरमाइन कर लिया, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। सो बेसिकली देयर आर रिक्वायर्ड द थ्री फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप ए, फ्लिप फ्लॉप बी एंड फ्लिप फ्लॉप सी, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप क्या ये कह रहा है कि ये अपने को आइडेंटिफाई करना है कि कितने इसमें ट्रांजिशन हो रहे हैं, कहां कहां से इसमें ट्रांजिशन हो रहे हैं। तो फर्स्ट जैसे ट्रांजिशन, जैसे अपन ने लिया, जैसे इसकी अपन टेबल बनाए, तो जीरो 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 वाली स्टेट, जीरो जीरो वन वन वाली स्टेट, जीरो वन जीरो सेकंड वाली स्टेट, जीरो वन वन थर्ड स्टेट, वन जीरो जीरो फोर्थ स्टेट, वन जीरो वन फिफ्थ स्टेट, वन वन जीरो सिक्स्थ स्टेट, वन 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 सेवंथ स्टेट। तो टोटल एट स्टेट के लिए अपन ने डिजाइन कर लिया बाई यूजिंग थ्री फ्लिप फ्लॉप, जीरो 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 से लेके वन 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 तक। तो जीरो से लेके सेवन तक टोटल स्टेट कितनी होगी, एट होगी। क्लियर हुआ पहली बात। नेक्स्ट इसमें अपन देखते हैं कहां कहां इसमें ट्रांजिशन हो रहा है। तो फर्स्ट जैसे जीरो ट्रांजिशन कहां हो रहा है, सेवन पे। तो जीरो वाला ट्रांजिशन पहले कहां शिफ्ट हुआ, सेवन पे गया, ठीक है। तो जीरो से लेके सेवन वाला ट्रांजिशन हुआ। दूसरा कहां हुआ, वन के रेस्पेक्टिव, वन किससे गया, थ्री पे गया। ये वाला वन ट्रांजिशन किस पे गया, थ्री पे गया, तो वन से थ्री पे चला गया। सेकेंड टू वाला देखें तो टू वाला ट्रांजिशन कहां से गया, फोर पे गया, तो टू वाला ट्रांजिशन फोर पे गया। नेक्स्ट अपन देखें थ्री, तो थ्री वाला किस पे जा रहा है, यहाँ पे सेवन पे, थ्री वाला ट्रांजिशन सेवन पे चला गया, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ वाला कहां जा रहा है, फोर्थ वाला ट्रांजिशन थ्री पे जा रहा है, तो फोर्थ वाला ट्रांजिशन थ्री पे चला गया। नेक्स्ट वाला ट्रांजिशन क्या है, फाइव वाला ट्रांजिशन कहां जा रहा है, सेवन पे, तो फाइव वाला गया सेवन पे। नेक्स्ट सिक्स वाला ट्रांजिशन कहां जा रहा है, वन पे, तो सिक्स वाला ट्रांजिशन गया वन पे। और लास्ट वाला सेवन वाला ट्रांजिशन कहां जा रहा है, सिक्स पे, आगे की साइड में। एरो कहां होना चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो सेवन वाला ट्रांजिशन या एरो कहां जा रहा है, सिक्स पे, तो सेवन गया किस पे, सिक्स वाले टाइम। तो टोटल इतने ट्रांजिशन हो रहे हैं, टोटल कितने ट्रांजिशन हुए इसमें, एज पर गिवन क्वेश्चन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, टोटल ट्रांजिशन कितना है, एट हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई, ओके। अब एक एक ट्रांजिशन को अपन एनालिसिस करते चलते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजिशन कहां है, जीरो से लेके सेवन तक, फर्स्ट ट्रांजिशन है जीरो टू सेवन। तो जीरो वाला जो ट्रांजिशन है ये जीरो है, लास्ट वाला क्या है, सेवन है, ये सेवन है। तो जीरो से किधर गया वो ट्रांजिशन, सेवन वाले पॉइंट पे, ठीक है। अब ए वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए देखें तो जीरो से ये कहां टॉगल हुआ, वन पे, जीरो से वन में कन्वर्ट हो गया, तो टॉगल हुआ, टॉगल में क्या आएगा, जीए की वैल्यू वन, ये जीए की वैल्यू वन आ गई। बी वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए देखें तो जीरो था, जीरो से कहां टॉगल हो गया, वन पे हो गया, तो टॉगल जीरो से वन में टॉगल हुआ, तो जीबी की वैल्यू क्या आएगी, वन, ये जीबी की वैल्यू वन आ गई। अब सी वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए देखें तो यहाँ सी वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए क्या है, जीरो है, जीरो वाली कंडीशन स्टेट पे, और वन वाली सेवन वाली स्टेट पे क्या है, ये वन है वैल्यू, तो जीरो से वन में टॉगल हो गया, टॉगल होने पर जीसी की वैल्यू क्या आएगी, वन, ये जीसी की वैल्यू वन आ गई। इज इट क्लियर। अब वन वन को देखें, वन से थ्री में ट्रांजिशन, तो वन से थ्री में ट्रांजिशन, तो ये वन रहा, ये वाला वन वाली स्टेट रही, थ्री वाली स्टेट कौन सी, ये वाली स्टेट है, ये वाली स्टेट है, तो वन से वो किस में चला गया, थ्री वाली स्टेट में। अब ए वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए देखें तो जीरो से जीरो में कोई टॉगलिंग नहीं, तो जीए की वैल्यू क्या आएगी, जीरो, ये जीरो आ गई, जीए की वैल्यू जीरो। बी वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए देखें तो जीरो से किस में टॉगल हुआ, वन में, जीरो से वन में कन्वर्ट हो गया, तो टॉगलिंग हुई, तो टॉगल के केस में जीबी की वैल्यू क्या आएगी, वन, ये जीबी की वैल्यू वन आ गई, जीबी की वैल्यू। नेक्स्ट सी वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए देखें तो वन से ट्रांजिशन किस में हुआ, वन में हुआ, कोई टॉगलिंग नहीं हुई, तो जीसी की वैल्यू जीरो आएगी, तो जीसी की वैल्यू जीरो आ गई, ठीक है। तो इस तरह से ईच एंड एवरी स्टेट की जीए जीबी और जीसी की वैल्यू अपने को आइडेंटिफाई कर लेनी है। अब जैसे सेकंड नेक्स्ट वाली जो ट्रांजिशन है वो किस है, टू से फोर में, टू वाला कौन सा है, ये वाली कॉलम, ये वाला कॉलम है टू वाला, फोर्थ वाला कॉलम कौन सा है, ये वाला कॉलम है, तो टू से किस में चला गया, वो फोर्थ वाले कॉलम में, टू से किस वाले कॉलम में चला गया, फोर्थ वाले कॉलम में। अब ए वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए देखें तो जीरो से किस में टॉगल हुआ, वन में, तो जीए की वैल्यू क्या आएगी, वन, ये वन आ गई। बी वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए देखें तो वन से किस में टॉगल हुआ, ये जीरो में, तो जीबी की वैल्यू क्या, वन आएगी, ये वन आएगी।
नेक्स्ट सी वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए देखें तो जीरो से किसमें ट्रांजिशन हुआ, जीरो में हुआ, कोई टॉगलिंग नहीं हुई, तो जीसी की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो, ये जीसी की वैल्यू जीरो। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजिशन क्या है, 3 to 7, 3 वाला सेक्शन कौन सा है, ये वाला 3 वाला कॉलम है, 7 वाला कौन सा है, ये वाला कॉलम है, तो 3 से सीधा किसमें गया, ये 7 वाले में, तो 3 से वाले 7 में देखें, ए वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए देखें तो 0 से किसमें ट्रांजिशन हुआ, 1 में हुआ, टॉगल हुआ, तो जीए की वैल्यू क्या आएगी, 1, ये जीए की वैल्यू 1 आएगी। नेक्स्ट वाले बी वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए देखें तो 1 से किसमें ट्रांजिशन हुआ, 1 में, कोई टॉगलिंग नहीं हुई, तो जीबी की वैल्यू 0, ये जीबी की वैल्यू 0। नेक्स्ट सी वाले फ्लिप फ्लॉप के देखें, 1 से किसमें गया, 1 में, कोई टॉगलिंग नहीं हुई, तो जीसी की वैल्यू 0, ये जीसी की वैल्यू 0 आ गई। नेक्स्ट वाले ट्रांजिशन देखें 4 से 3rd में, 4th वाला कौन सा कॉलम है, ये वाला 4th वाला कॉलम, ये किसमें जाना है, 3rd वाले में, ये 3rd वाले में गया, तो अब जीए ए वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए देखें, 1 से किसमें गया, ये 0 में, टॉगलिंग हुई, तो जीए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, ये जीए की वैल्यू 1। नेक्स्ट में अपन देखें 0 से किसमें टॉगल हुआ, ये 0 से किसमें टॉगल हो गया, 1 में हो गया, 0 से किसमें ट्रांजिशन आया, 1 में, तो टॉगलिंग हुई, तो जीबी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ गई। नेक्स्ट 0 से 1 में गया, फिर टॉगलिंग हुई, तो जीसी की वैल्यू क्या, 1 आ गई, तो ये 1 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट आया इसमें 5th वाली स्टेट है, ये वाली 5th वाली स्टेट है, 5th से किसमें ट्रांजिशन गया, 7th में, ये 7th वाली ट्रांजिशन, तो 5th वाली स्टेट से गया किसमें, 7th वाली स्टेट में। ए वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए देखें तो 1 से 1 में कोई टॉगलिंग नहीं हुई, जीए की वैल्यू 0, ये जीए की वैल्यू 0। नेक्स्ट में बी वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए 0 से किसमें गया, 1 में, टॉगलिंग हुई, तो जीबी की वैल्यू 1, ये जीबी की वैल्यू 1 आ गई। नेक्स्ट वाली में क्या है, ये 1 है, इधर भी क्या 1, 1 से 1 में कोई टॉगलिंग नहीं हुई, तो जीसी की वैल्यू 0, ये जीसी की वैल्यू 0 पुट ऑन, इज इट क्लियर। नेक्स्ट वाली ट्रांजिशन स्टेट क्या है, 6 to 1, 6th वाला कौन सा ब्लॉक है, ये वाला 6th वाला ब्लॉक है, ये किसमें जा रहा है, ये 1 वाले ब्लॉक में, ये 1 वाले ब्लॉक में। ठीक है, ए वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए देखें तो यहाँ 1 था, 1 से ट्रांजिशन किसमें हुआ, 0 में, टॉगलिंग हुई, तो जीए की वैल्यू क्या, 1 आ जाएगी, ये जीए की वैल्यू 1। बी वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए देखें, 1 है, ये किसमें ट्रांजिशन हुआ, 0 में, तो टॉगलिंग हुई, 1 से 0 में, तो जीबी की वैल्यू 1 आ जाएगी, ये जीबी की वैल्यू 1। नेक्स्ट यहाँ 0 है, ट्रांजिशन किसमें, 1 में हुआ, तो जीसी की वैल्यू क्या हुई, टॉगलिंग हुआ, तो जीसी की वैल्यू 1, ये जीसी की वैल्यू 1। और लास्ट इशू क्या है, 7 to 6, 7th वाला कॉलम कौन सा है, ये वाला कॉलम है, 6th वाला कौन सा कॉलम है, ये वाला कॉलम, तो ट्रांजिशन इस तरह से होगा। अब ए वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए देखें, 1 से 1 में ट्रांजिशन हुआ, कोई टॉगलिंग नहीं है, जीए की वैल्यू 0, ये जीए की वैल्यू 0। नेक्स्ट वाले बी वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए देखें, 1 है, 1 से ट्रांजिशन 1 में हुआ, फिर कोई टॉगलिंग नहीं हुई, तो जीबी की वैल्यू 0, ये जीबी की वैल्यू 0। सी वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए देखें, 1 है, 1 से किसमें ट्रांजिशन हो रहा है, 0 में ट्रांजिशन हो रहा है, तो टॉगलिंग हो रही है, तो टॉगलिंग के केस में जीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, ये जीसी की वैल्यू 1। तो इस तरह से अपने को ये टेबल डिटरमाइन करनी है एज पर द गिवन ट्रांजिशन स्टेट्स फॉर द गिवन क्वेश्चन। जो भी गिवन क्वेश्चन में स्टेट डायग्राम है उसमें जैसे जैसे ट्रांजिशन हो रहा है उस ट्रांजिशन के रेस्पेक्टिव ये टेबल अपने को डिटरमाइन कर लेनी है जीए जीबी एंड जीसी के। नेक्स्ट स्टेट नेक्स्ट पार्ट क्या रहेगा, कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन करना है बाय यूजिंग के मैप। तो ये जीए जीबी और जीसी के रेस्पेक्टिव यहाँ पर क्या डिटरमाइन करना, क्या प्लॉट करेंगे अपन, के मैप, के मैप के रेस्पेक्टिव अपन देखें, आप जीए वाली रो में देखें तो 1 1 1 1 कितने वन है इसमें, 1 2 3 4 5 वन है, और कितने जीरो है, 1 2 3 3 जीरो है। तो इस वाले केस में अपन देख रहे हैं कितने वन है, 1 2 3 4 5 5 वन है, और जीरो कितने हैं, 0, 2 जीरो है, कितने जीरो है, 2 जीरो, 0 एंड 0, 2 जीरो, तो 2 जीरो वैल्यू पुट ऑन कर दी, 1 की वैल्यू पुट ऑन कर दी, और उसके बाद क्या अप्लाई करा, ग्रुपिंग वाला प्रोसेस, उसके बाद क्या अप्लाई करा अपन, ग्रुपिंग वाला प्रोसेस। तो ग्रुपिंग अपन कैसे बना सकते हैं, एक तो ये बनेगा जैसे 2, जैसे ये 2 का है, 2 कॉर्नर पे है, लेफ्ट में 2 कॉर्नर है, राइट में, तो ये कितने का बनेगा, 4 का ग्रुप, ये 4 का ग्रुप बना। ठीक है, एक 4 का ग्रुप बनेगा, और एक क्या बनेगा इसमें, ये 2 का ग्रुप बन जाएगा, एक ये 2 का ग्रुप, तो एक तो ये 4 का ग्रुप और एक 2 का ग्रुप। ठीक है, अब 4 वाले ग्रुप में अपन देख रहे हैं कि हॉरिजेंटली तो क्या है, ए की वैल्यू 0 और ए की वैल्यू 1 है, कोई कॉमन नहीं है। वर्टिकली अपन देखें तो यहाँ बीसी की वैल्यू क्या है, 0 0 है, और इस वाले केस में बीसी की वैल्यू 1 0 है,
कॉमन क्या है, सी की वैल्यू जीरो, सी की वैल्यू जीरो कॉमन है तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी बार से, तो ये सी बार वाली टर्म आ गई। दूसरा अपन ने दो का बनाया ग्रुप, दो वाले ग्रुप में अपन क्या दे रहे हैं, हॉरिजॉन्टली कॉमन क्या है, ए की वैल्यू जीरो, तो ए बार बना। वर्टिकली अपन देखें तो क्या वैल्यू कॉमन आ रहा है, बी की वैल्यू वन कॉमन आ रही है, तो बी की वैल्यू वन को रिप्रेजेंट करेंगे बी से, ए की वैल्यू जीरो को रिप्रेजेंट करेंगे ए बार से, तो अल्टीमेटली क्या आएगा, ए बार इंटू बी, तो ये वाला एक्सप्रेशन आया जी ए का, जी ए का एक्सप्रेशन इस तरह से आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट वाले अपन जैसे देखें जी बी के लिए अपन के मैप ड्रॉ करें, तो जी बी वाले के लिए के मैप कितने बने हैं इसमें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स तो वन है, जीरो कितने हैं, वन एंड टू, टू जीरो हैं, तो इसमें सिक्स वन लेने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो वन है और दो जीरो हैं, जीरो जीरो। ठीक है, तो अपन ने इस तरह से वैल्यू पुट ऑन करी, वैल्यू पुट ऑन करने के बाद क्या करना है, ग्रुपिंग वाला पुट करना है। ग्रुपिंग वाले में अपन कैसे करेंगे, ये चार का ग्रुप बनेगा, ये चार का ग्रुप बन गया, और एक एक और चार का ग्रुप कैसे बनेगा, दो इधर लेफ्ट में कॉमन, दो ये राइट में कॉमन, तो दो इधर और दो इधर, तो अल्टीमेटली कितने ग्रुप बने यहाँ, चार के दो ग्रुप, चार चार के कितने बने, दो ग्रुप बनेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ये चार का ग्रुप कंसीडर करा, तो यहाँ हॉरिजॉन्टली कोई कॉमन नहीं है, वर्टिकली कॉमन क्या है, सी की वैल्यू, बी की वैल्यू जीरो, बी की वैल्यू जीरो को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी बार से, तो ये बी बार आ गया। ठीक है, अब लेफ्ट टू और राइट टू को अपन कॉम्बिनेशन चार का बनाए तो कैसे आएगा, ये दो का ग्रुप है, ये दो का ग्रुप है, हॉरिजॉन्टली कोई कॉमन नहीं है, वर्टिकली अपन देखें तो BC की वैल्यू 0-0 वाले कॉलम है और एक BC की वैल्यू 1-0 वाला कॉमन है, 1-0 वाला कॉमन, कॉमन क्या है यहाँ पे, C की वैल्यू 0 है, C की वैल्यू 0 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, C बार से, तो ये C बार आ गया। ये GB का एक्सप्रेशन अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया बाय यूजिंग K मैप। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, GC, GC वाले के लिए अपन देखें तो 1 कितने हैं, 1 टू थ्री फोर, फोर तो वन है, जीरो कितने हैं, वन टू थ्री फोर, फोर ही जीरो हैं, तो अपन इसके लिए के मैप में वैल्यू पुट ऑन करें तो कितने वन है, वन टू थ्री फोर, फोर वन है और फोर ही जीरो आएंगे यहाँ पे, वो लिखे नहीं है पर वो फोर ही जीरो रहेंगे। अपन के एसओपी फॉर्म किसके लिए निकालते हैं, वन के लिए, इसलिए अपन ने वन को कंसिडर करा हुआ। अब चार वन है, ग्रुपिंग अपन बनाएंगे तो कितने ग्रुप बनेंगे, दो ग्रुप बनेंगे, दो दो के कितने ग्रुप बनेंगे, दो ग्रुप, एक ये वाला ग्रुप बनेगा, एक ये वाला ग्रुप बनेगा। अब दो वाले ग्रुप में हॉरिजॉन्टली कोई कॉमन नहीं है, वर्टिकली क्या है, बी की वैल्यू जीरो है, सी की वैल्यू जीरो है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बी बार एंड सी बार, तो बी बार सी बार। इस वाले सेकंड वाले दो के ग्रुप के लिए देखें तो हॉरिजॉन्टली तो क्या है, ए की वैल्यू वन है, वर्टिकली अपन देखें कॉमन क्या आ रहा है, बी की वैल्यू वन है, तो ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू वन, तो क्या हो जाएगा, ए बी, ए इंटू बी, ये ए इंटू बी आ गया। इज इट क्लियर? ठीक है, अब अपन कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाते हैं, तो सबसे पहले अपन GA को देखें, GA एक्चुअली किससे रिलेटेड होगा, TA से, है ना, तो TA के रेस्पेक्टिव क्या है, C बार है और A बार इनटू B है। ठीक है, तो C बार कैसे आएगा, ये QC से, या QC का बार ले लिया तो ये C बार आ गया। अब अपने को क्या लेना है, A बार लेना है, तो A बार कहां से आएगा, इस A के ये QA बार से, QA बार से A आया, और B अपन ने कहां से लिया, इसके B से, यहां वाले B से, तो ये मल्टीप्लाई होके क्या बना, एंड गेट को अपन काम में लेंगे तो ए बार इंटू बी बना, इधर से अपन ने सी बार ले लिया, दोनों को किससे कनेक्ट कर दिया, और गेट से, तो अल्टीमेटली क्या बना, सी बार प्लस ए बार बी, तो सी बार प्लस ए बार बी, ये आ गया, ये किससे कनेक्ट हो गया, टी ए से, इसका आउटपुट किससे कनेक्टेड हो गया, टी ए से, और ये टी ए एक्चुअली किसके इक्विवेलेंट है, जी ए के। तो इसी तरह से अपन जीबी के लिए देखें, जीबी के लिए क्या है, सी बार है और बी बार है, सी बार के लिए क्या लेंगे, क्यू सी बार और क्यू बी बार, तो यहां से लिया अपन ने क्यू सी बार, यहां से लिया अपन ने क्यू बी बार, ये लिया क्यू सी बार, है ना, यहां से लिया क्यू सी बार, ये सी बार है, यहां से लिया क्यू बी बार, और ये अपन ने किससे कनेक्ट कर दिया, टी बी से, टी बी एक्चुअली किससे कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है जीबी से, किसके इक्विवेलेंट है, जीबी के, तो इसका आउटपुट किससे कनेक्ट कर दिया, टी बी से, तो बी बार प्लस सी बार दैट इज इक्वल्स टू टी बी, टी बी इक्वल्स टू जीबी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट GC के लिए अपन ने लिया तो GC इक्वल्स टू B बार C बार प्लस AB, B बार C बार के लिए अपन क्या लेंगे, QB बार लिया, QC बार लिया, दोनों को क्या कर दिया, एंड कर दिया, फिर QA लिया, QB लिया, दोनों को एंड कर दिया, दोनों को एंड को करके किससे कनेक्ट कर दिया, और कर दिया, दोनों को ऐड करना है तो और गेट कनेक्ट किया, आउटपुट किससे कनेक्ट करा, TC से, TC एक्चुअली किसके इक्विवेलेंट है, GC के,
तो इस तरह से भी अपन इसको, और जैसे क्लॉक पल्स है तो साइमल्टेनियसली तीनों फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक पल्स दे रहे हैं, क्लियर टर्मिनल तो तीनों में क्लियर टर्मिनल अपन कनेक्टेड कर। तो इस तरह से अपन गिवन स्टेट डायग्राम के रेस्पेक्टिव लॉजिक सर्किट या ब्लॉक डायग्राम अपन इजीली डिजाइन कर सकते हैं फॉर नॉन सीक्वेंशियल सिंक्रोनस काउंटर। इज इट क्लियर? समझ में आया सभी के? होप सो। तो आज अपन ये एग्जांपल करते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन जेके फ्लिप फ्लॉप से डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे। अभी तक अपन ने कैसे स्टडी करी है, टॉगल फ्लिप फ्लॉप से डिजाइन कर रहे हैं सिंक्रोनस काउंटर, सीक्वेंशियल एंड नॉन सीक्वेंशियल। इज इट क्लियर? अभी तुम्हें कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का कोई भी इश्यू हो तो तुम पूछ सकते हो इस क्लास के रेस्पेक्टिव, ठीक है? और बाकी मैं इसकी पीपीटी मैंने डाली दी है, पीपीटी की तुम स्टडी करो, और तुम्हारे जो पीडीएफ है उनकी स्टडी करो, लेक्चर को जो मैंने आज लेक्चर बनाया इसको स्टडी करो, और कोई इश्यू आता है तो मुझसे डिस्कशन करना, ठीक है? थैंक यू।